वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत का दूसरा दौर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर से मुताल्लिक मुशावरती अमल में अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नाम पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी, जिसके कुछ ही देर के बाद सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत करके निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का कहना था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए छोटे सूबे से नाम पर इत्तेफाक किया। जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो, और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया है।